हाई फ्रेंड्स हाउ आर यू डूइंग आई एम अबूसाद एंड यू आर वॉचिंग अबूसाद क्लासेस टूडे आई एम ग टीच यू अबाउट फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस के वाक्यों में काम का करना या होना फ्यूचर टेंस यानि भविष्य काल में पाया जाता है ऐसे वाक्यों के अंत में रहा होगा रही होगी रहा होंगा रहे होंगे आते हैं तो सबसे पहले देखते हैं ऑफर्मेटिव सेंटेंस ऑफरमेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ विल बी लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं एग्जाम्पल है मैं अपनी किताब पढ़ रहा हूँगा सबसे पहले सब्जेक्ट विल बी वर्ब की फोर्थ फॉर्म रीडिंग ऑब्जेक्ट माई बुक आई विल बी रीडिंग माई बुक फ्रेंड्स अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंसेस निगेटिव सेंटेंसेस में विल के बाद यानी बी से पहले नॉट लगा देते हैं इस टेंस में कल के लिए टमोरो लगाते हैं एग्ज़ाम्पल है मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूँगा आई विल नॉट बी गोइंग टू डेली सबसे पहले सब्जेक्ट है उसके बाद विल हेल्पिंग ऑफ उसके बाद नॉट उसके बाद बी वर्ब की फोर्थ फॉर्म गोइंग उसके बाद ऑब्जेक्ट है टू डेली आई विल नॉट बी गोइंग टू डेली तो फ्रेंड्स अब जानते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में सबसे पहले देखते हैं रोल नंबर वन अगर वाक्य में क्या लगा हो तो विल को सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं फिर बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं एग्जांपल है क्या वह बाज़ार जा रहा होगा हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद सब्जेक्ट ही बी गोइंग टू द मार्केट विल ही बी गोइंग टू द मार्केट अब सीखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल नंबर टू अगर वाक्य के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आए जैसे वन वाई वट वेयर ई टी सी तो सबसे पहले हम इनकी अंग्रेजी लिखेंगे उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल उसके बाद बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे जैसे एग्जांपल है तुम्हारे पिताजी कल कहाँ जा रहे होंगे यहाँ पर पूछा जा रहा है डिटेल जाने का क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है कहाँ हिंदी सेंटेंस में तो जब इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो कहाँ की इंग्लिश सबसे पहले लेके आएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड है उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल उसके बाद सब्जेक्ट योर फादर उसके बाद बी उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म उसके बाद इसमें टाइम भी दिया गया है तो टाइम को हमेशा लास्ट में लेके आते हैं तो सेंटेंस है वेयर विल योर फादर बी गोइंग टमोरो तो फ्रेंड्स अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रोल नंबर थ्री कितना यानी हाउ मच कितने हाउ मेनी कौन सा विच हुज किसका के साथ उनसे संबंधित यानी उनसे जो अटैचमेंट है जिस नाम उनका उसको लेके आएंगे एग्जाम्पल है कमरे में कितने लड़के सो रहे होंगे हाउ मेनी बॉयज़ विल बी स्लीपिंग इन द रूम यहाँ पर आप देख रहे होंगे हाउ मेनी क्वेश्चन वर्ड के बाद फौरन नाउन आया है नाउन के बाद हेल्पिंग वो विल उसके बाद बी वर्ब की फोर्थ फॉर्म स्लीपिंग उसके बाद ऑब्जेक्ट तो फ्रेंड्स अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल नंबर फोर अगर सेंटेंस में कोई क्वेश्चन वर्ड हु ही कर्ता का कार्य कर रहा हो तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लाएंगे फिर विल भी उसके बाद फर्स्ट फर्स्ट फॉर्म द वर्ब प्लस आईएनजी लाएंगे एग्जाम्पल है मैदान में कौन खेल रहा होगा हु विल बी प्लेइंग इन द फील्ड यहाँ पर सबसे पहले हु आया है क्वेश्चन वर्ड उसके बाद हेल्पिंग वॉक विल बी फोर्थ फॉर्म प्लेइंग उसके बाद ऑब्जेक्ट है इन द फील्ड तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव का लास्ट रूल यानी रूल नंबर फाइव इंट्रोगेटिव निगेटिव वर्क इंट्रोगेटिव और सेंटेंस की तरह ही बनाए जाते हैं केवल करता के बाद और बी से पहले नॉट लगा देते हैं एग्ज़ाम्पल में देखिए आप क्या वो बच्चा शोर नहीं मचा रहा होगा विल दैट चाइल्ड नॉट बी मेकिंग अज़ नोएज़ यानी शोर करना नोएज़ से पहले हमेशा आर्टिकल एक का प्रयोग करते हैं और स्टूडेंट्स एक चीज़ का ज़रूर ध्यान दें कि इंटरोगेटिव सेंटेंस का कोई भी रूल हो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह ज़रूर लगाते हैं इससे वो सेंटेंस और अफेक्टिव होता है और प्रभावशाली होता है तो ये था फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस उम्मीद करते हैं कि आपको यह टेंस समझ में आ गया होगा फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर है वहाँ से मैसेज कर कर सकते हैं मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में